एक विंडो एसी लेने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को बिल्कुल भी वेस्ट ना जाने दें और आप अपने लिए खरीदे एक ऐसा एसी जो आपके बजट में हो और जिसका रनिंग कॉस्ट भी जो है वो बहुत हद तक कम हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो आपके रूम को बहुत जल्दी ठंडा करे, बिकॉज एक एसी खरीदने का यही पर्पज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दीप, आप देख रहे हैं गोपैसा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेस्ट विंडो एसी इन 2023 की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक विंडो एसी लेने से पहले आपको 8 डिफरेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपके रूम का साइज, अगर आपके रूम का साइज 150 स्क्वायर फीट तक का है तो आपको जरूरत पड़ेगी 1 टन का एसी खरीदने की। वहीं अगर आपके रूम का साइज 250 स्क्वायर फीट तक का है तो आपको जरूरत पड़ेगी 1.5 टन तक का एसी खरीदने की। लेकिन अगर आपके रूम का साइज 400 स्क्वायर या उससे ज्यादा का है तो आपको 2 टन का एसी लेना होगा। एनर्जी रेटिंग का आपका बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आप 2023 में कोई 2022 का 5-स्टार मॉडल एसी खरीदते हैं तो वो 2023 में एज ए 4-स्टार माना जाएगा। तो आप 2023 में वैलिड 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाला एसी ही खरीदें, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो बहुत हद तक कम आए। क्योंकि दोस्तों, किसी महान इंसान ने कहा है कि हाथी खरीदना बहुत इजी है, उसे पालना बहुत महंगा है। वहीं अगर आप डेली रहते हैं तो 200 यूनिट तक तो जो है आपको बिल ही नहीं भरना पड़ेगा, वो तो ऑल ओवर इंडिया सब जानते हैं। वहीं अगर आप डेली से बाहर रहते हैं तो आपको एक ऐसा एसी खरीदने की जरूरत है जो आपके बिजली के बिल को बहुत ज्यादा ना बढ़ाए। अब दोस्तों, कुछ लोग आज की डेट में इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बट दोस्तों मैं आपके लिए पूरी रिसर्च करके आया हूं और मैं आपको बता के जाऊंगा कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या फर्क होता है और आपके लिए कौन सा ज्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इन्वर्टर एसी की। जो इन्वर्टर एसी होता है, जैसे ही वो आपके सेट किए हुए टेम्परेचर को अचीव करेगा, उसके बाद वो अपनी लो एफिशिएंसी पे काम करेगा, यानी कि वो 80% एनर्जी कंज्यूम करेगा और काम करता रहेगा और उसी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करेगा। ऐसे करते करते दोस्तों जो है आपका एसी जो है वो 80% पे काम करेगा, फिर 70% पे काम करेगा, फिर 50% पे काम करेगा, यानी कि जो आपका एसी है वो एनर्जी तो लो लेता रहेगा लेकिन आपका जो रूम का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेगा। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें नॉन इन्वर्टर एसी की, वो जब शुरू होगा तो 100% पावर के साथ स्टार्ट होगा। जैसे ही दोस्तों आपने अपने रूम में जो टेम्परेचर सेट किया है वो उसको अचीव करेगा, उसके बाद जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर होगा, वो एसी जो है फिर से 100% पावर के साथ स्टार्ट होगा और उस टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। वहीं दोस्तों, इन्वर्टर एसी जो है वो वेरिएबल स्पीड पे काम करता है, यानी कि 40%, 50%, जैसे मैंने आपको बताया। इससे दोस्तों जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो काफी कम आने वाला है। अब दोस्तों, इन्वर्टर एसी जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो काफी हद तक बचाता है, लेकिन क्या आपको सच में एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों देखो, अगर आपका रूम क्लोज है, उसमें कोई भी जो है बाहर की एयर नहीं आती है और डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं पड़ती आपके रूम पे, तो आप एक इन्वर्टर एसी ले सकते हो। बट अगर आपके रूम पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और आपका रूम का डोर जो है वो बार बार ओपन रहता है या फिर बाहर की जो है वो एयर आती रहती है, तो आपको जो है एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। उसका दूसरा रीजन ये भी है दोस्तों कि जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो स्लाइटली चीपर होता है एक इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में। अब दोस्तों, विंडो एसी आपको अगर लेना है तो सबसे पहले तो ये है कि आपके रूम में एक विंडो होनी बहुत जरूरी है। जो विंडो आपके घर की बाउंड्री के बाहर हो, बिकॉज विंडो एसी के बाहर वाली साइड बहुत ज्यादा हीट होती है और आप उस चीज को जरूर से ध्यान रखिए। और दोस्तों, आपके एसी में एक ड्यू ह्यूमिडिफिकेशन जो है फीचर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दोस्तों ये फीचर जो है वो मानसून के टाइम पे बहुत काम आता है और जो आपके रूम की ह्यूमिडिटी है वो उसको बहुत हद तक जो है काफी सही तरीके से बैलेंस करके रखता है आपके एसी। आपके एसी में जो कंप्रेसर और कंडेंसर है वो 100% कॉपर का होना चाहिए, जिससे आपका एसी जो है वो बिना किसी रिपेयरिंग के बहुत लंबे टाइम तक चलता रहे। अगर दोस्तों आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां वाटर थोड़ा हार्ड है, या फिर आपके घर के बाहर जहां आप एसी लगाने वाले हैं वहां कोई पानी बहता रहता है या फिर नाली वगैरह है, तो आपको हमेशा एक ऐसा एसी लेना चाहिए जिसके कंडेंसर पर ब्लैक ओशियन केमिकल की एक लेयर हो, ताकि आपका एसी का जो कंडेंसर है वो ज़्यादा जल्दी खराब ना हो। अदरवाइज अगर वो एक बार खराब हो गया तो आपका रिपेयरिंग में जो है वो बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है, तो इस पॉइंट को आप जरूर से ध्यान रखें। एक अच्छी ब्रांड वारंटी होना आपके एसी के लिए बहुत जरूरी है, जिससे इन केस आफ्टर परचेज आपके एसी में जो है आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या फिर कोई जो है पार्ट रिपेयर कराना पड़ता है या फिर चेंज कराना पड़ता है, उसके लिए दोस्तों जो है आपको अपना ज्यादा टाइम खराब ना करना पड़े। आप बस एक कॉल करें और वो नेक्स्ट डे आपके घर पे आ जाए आपके एसी की सर्विस कराने के लिए। वैसे तो दोस्तों 2023 में आपको सभी विंडो एसी जो है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन वाले मिल जाएंगे, बट समझदारी इसी में है,
आप अपने एसी के लिए जो है एक सही स्टेबलाइजर खरीदें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप अपने घर में एक विंडो एसी इंस्टॉल कराते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों विंडो एसी को इंस्टॉल कराना सबसे ज्यादा इजी होता है क्योंकि इसमें स्प्लिट एसी की तरह दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होता है। इसे आप बहुत इजीली और बहुत कम प्राइस में जो है अपने घर पे इंस्टॉल करा सकते हैं। और दोस्तों दूसरा, आप जहां स्प्लिट एसी की सर्विस कराने के लिए आप 800-1000 रुपए खर्च करते हो, वहीं विंडो एसी में बस आपको सर्विस कराने के लिए 300-400 रुपए खर्च करने होंगे। देख रहे हो आपकी हर सेविंग पे जो है वो 300-400 रुपए तो सेव हो ही रहे हैं। थर्ड दोस्तों जो है इसका मेंटेनेंस चार्ज भी जो है वो स्प्लिट एसी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। और दोस्तों विंडो एसी के पार्ट्स भी जो है वो स्प्लिट एसी के कंपैरिजन में थोड़े सस्ते होते हैं। फोर्थ दोस्तों, अगर हम बात करें स्प्लिट एसी के कंपैरिजन में विंडो एसी थोड़े सस्ते भी होते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट विंडो एसी इन 2023 की लिस्ट में। हमारे पास नंबर 4 पर है लॉयड की तरफ से आने वाला 1.5 टन का 5 स्टार विंडो एसी। इस एसी में दोस्तों आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, जैसे 100% कॉपर कंडेंसर। 2023 का ये 5 स्टार लेटेस्ट मॉडल है जिसमें आपको फिक्स स्पीड कंप्रेसर मिलता है। और दोस्तों इसका मेंटेनेंस भी जो है वो काफी लो है। बात करें अगर हम इसकी कूलिंग कैपेसिटी की तो इसमें आपको जो है 4950 वाट की जो है कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। और दोस्तों साथ ही साथ इस एसी के अंदर आपको डी ह्यूमिडिफिकेशन का फीचर मिल जाता है जो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि आपके रूम की ह्यूमिडिटी को बहुत हद तक बैलेंस करता है। कन्वीनियंट फीचर की मैं बात करूं जो आपके सभी एसी में आपको लगभग सेम देखने को मिलेंगे, वो सभी फीचर दोस्तों इस एसी में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे ऑटो रिस्टार्ट, टाइमर, स्लीप मोड, सेल्फ डायग्नोसिंग एक्सेट्रा। और दोस्तों अगर आप इस एसी को खरीदते हैं तो 750 स्टैंडर्ड जो इंस्टॉलेशन चार्ज होता है वो आपको देना होगा, जो दोस्तों आपको हर एक एसी पे देना ही होता है। किसी एसी पे थोड़े से ज्यादा होते हैं और किसी एसी पे कम से कम 750 तो आपको जो है नॉर्मली किसी भी एसी पे अगर आप कोई खरीदते हो तो वो आपको देने ही देने होंगे। वारंटी की अगर मैं बात करूं तो आपको दोस्तों इस एसी पे 1 ईयर की कंप्रेसिव वारंटी और 5 ईयर की वारंटी आपको जो है वो कंप्रेसर पर मिल जाती है। अगर दोस्तों मैं बात करूं इस एसी के प्राइस की तो फ्लिपकार्ट पर आप इस एसी को सिर्फ 35,000 रुपए में खरीद सकते हैं, बट सेम एसी अगर आप चाहें तो गोपैसा के थ्रू सिर्फ 33,500 या फिर उससे कम के में भी खरीद सकते हैं। आप दोस्तों जिन लोगों को गोपैसा के बारे में नहीं पता या फिर जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए जो है एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूं। तो दोस्तों गोपैसा जो है वो एक इंडियन ऑनलाइन कैशबैक एंड कूपन साइट है जहां से आप अपनी फेवरेट सभी शॉपिंग साइट्स पे, फिर वो चाहे कोई भी हो, अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, आजियो, उन सभी पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और कमा सकते हैं एक्स्ट्रा कैशबैक और रिवॉर्ड। और दोस्तों गोपैसा की तरफ से मिलने वाला एक्स्ट्रा कैशबैक है रियल मनी जिसे आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोस और कॉन्स की। तो आपको पता ही लग गया होगा कि क्यों आपको इस एसी को लेना चाहिए और क्यों नहीं। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मुझे इस एसी के अंदर एक सिंगल कॉन जो है नहीं मिला। बस इसके जो दोस्तों नॉइस लेवल है वो 52 डेसिबल के हैं जो कि एक नॉर्मल विंडो एसी में होते हैं, वो हल्की थोड़ी बहुत जो है आवाज करता ही है। इतना तो दोस्तों जो है वो स्प्लिट एसी भी करता है, लेकिन स्प्लिट एसी के कंपैरिजन में विंडो एसी हल्की सी जो है वो ना के बराबर जो है थोड़ी सी नॉइस करता है। अगर लेकिन ये आपके लिए कॉन नहीं है तो आप इस एसी को खरीद सकते हो। अगर दोस्तों मैं बात करूं इस एसी के प्रोज की तो इस एसी को खरीदने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है उस कंडीशन में भी दोस्तों ये एसी आपके रूम को बहुत चिल करने वाला है। अगर दोस्तों आपके एरिया में भीषण गर्मी पड़ती है और अगर आप नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में कहीं भी रहते हैं तो आप इस एसी को आंख बंद करके खरीद सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बेस्ट विंडो एसी 2023 की लिस्ट में। हमारे पास जो नंबर 3 पर है ब्लू स्टार की तरफ से आने वाला 1.5 टन की कैपेसिटी के साथ 5 स्टार विंडो इन्वर्टर एसी। हाँ दोस्तों ये वाला एसी जो है वो इन्वर्टर वाला एसी है। ये एसी दोस्तों 2023 का मॉडल है और ये एसी 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग के साथ आता है। प्लस ये एसी एक इन्वर्टर एसी है तो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जो है वो काफी हद तक कम ही आने वाला है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका अगर नॉन इन्वर्टर एसी का बिल जो है वो 2000 रुपए महीना आता है तो इस इन्वर्टर एसी का जो बिल है वो सिर्फ 1200 या 1300 रुपए आने वाला है। यानी कि समझ रहे हो आपका हर महीने 500 से 800 रुपए सेव होने वाले हैं। कूलिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस एसी के अंदर आपको 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। अगर दोस्तों मैं बात करूं इसके इंडोर नॉइस लेवल की तो आपको ये हाई परफॉर्मेंस पे भी सिर्फ 56 डेसिबल की नॉइस करता है। इस एसी पे दोस्तों आपको 1 ईयर की कंप्रेसिव वारंटी मिल जाती है और 5 ईयर की जो है आपको कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाती है, जो कि आपको सभी एसी पे सेम वारंटी देखने को मिलेगी। इसके बात करूं अगर मैं इसके प्राइस की तो फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन इस एसी को आप 43,000 रुपीस में खरीद सकते हैं, बट दोस्तों कमाल की बात यह है कि आप सेम एसी गोपैसा के थ्रू सिर्फ 40,500 या फिर उससे कम के प्राइस में भी खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं इस एसी के प्रोस की तो अगर आप इस एसी को पूरे साल यूज करते हैं तो ये एसी एक साल के यूसेज में सिर्फ 1212 यूनिट खर्च करता है। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि 52 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे भी ये जो है एसी
ठीक तरीके से काम करता है और आपके रूम को बहुत हद तक ठंडा करता है। और दोस्तों कोन्स की अगर मैं बात करूं तो इस एसी में मुझे कोई सिंगल कोन्स देखने को नहीं मिला है। बेस्ट एसी इन 2023 की लिस्ट में हमारे पास नंबर 2 पर है एलजी की तरफ से आने वाला 1.5 टन की कैपेसिटी के साथ 5 स्टार विंडो डुअल इन्वर्टर एसी। जी हाँ दोस्तों, ये एसी है डुअल इन्वर्टर एसी, तो आपके बिजली का बिल भी जो है वो काफी हद तक कम आने वाला है। दोस्तों ये एसी मेरा फेवरेट है और मैंने खुद से इस एसी को भी खरीदा है। क्यों, आगे बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, तो दोस्तों इस एसी का जो डिजाइन है वो मुझे बहुत प्रीमियम लगा। अगर दोस्तों आप इस एसी को अपने रूम में लगाते हैं तो सबका ध्यान जो है इस पे ही जाने वाला है। और दोस्तों आपके रूम में कोई गेस्ट आता है या फिर कोई आउटसाइड पर्सन आता है तो वो इस एसी के बारे में आपसे जरूर पूछेगा कि आपने कहाँ लिया, कितने का लिया वगैरह वगैरह, क्योंकि ये एसी बहुत शानदार है। दोस्तों इस एसी की जो सबसे खास बात है वो मुझे लगी कि इस एसी का जो एयर फ्लो है वो हॉरिजॉन्टली है, जिससे होता ये है कि यूनिफॉर्म तरीके से आपके घर के चारों साइड में जो है वो ठंडी हवा मिलती है। अगर दोस्तों आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होती है तो आपके लिए ये एक ऐसी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज़ ये एसी जो है वो लो वोल्टेज पे भी बहुत सही तरीके से ऑपरेट करता है। दोस्तों ये एसी भी जो है 2023 का लेटेस्ट मॉडल है और ये 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट के साथ आता है। इस एसी में भी दोस्तों जो है आपको कंडेंसर वो 100% कॉपर का देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कूलिंग कैपेसिटी की तो इस एसी के अंदर आपको 5000 वाट की जो है वो कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है। डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होने की वजह से दोस्तों इसका कंप्रेसर जो है वो 4 डिफरेंट मोड पर रन कर सकता है। अगर दोस्तों आप इस एसी को खरीदते हो तो आपको अलग से 750 रुपीज जो है इंस्टॉलेशन के लिए देने होंगे, जो कि दोस्तों आप ऑलमोस्ट आपको हर एसी के इंस्टॉलेशन पे देने होते हैं। वारंटी की दोस्तों मैं अगर बात करूं तो यहां पे जो है ये वाला प्रोडक्ट एलजी की तरफ से अलग स्टैंड आउट करता है, बिकॉज़ दोस्तों 1 ईयर की जो है कॉमन आपको प्रोडक्ट वारंटी तो मिलती ही है। साथ ही साथ दोस्तों ये डुअल इन्वर्टर एसी है तो इसमें आपको 5 ईयर वारंटी आपको पीसीबी बोर्ड पर मिलती है और 10 ईयर की वारंटी आपको कंप्रेसर पर मिल जाती है। बट दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की तो ये एसी थोड़ा प्रीमियम है, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है फ्लिपकार्ट पर वो 44,000 रुपीज में आप इस एसी को खरीद सकते हैं। बट सेम एसी दोस्तों आप चाहें तो गोपैसा के थ्रू से 42,500 या फिर उससे कम के प्राइस में भी इजीली खरीद सकते हैं। प्रोस की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस एसी में आपको नॉइस लेवल्स जो है वो सिर्फ 44 डेसिबल के मिलते हैं। अगर दोस्तों आपका रूम जो है वो स्टूडियो टाइप का या फिर आप कोई साउंड ट्रैक वगैरह रिकॉर्ड करते हैं या फिर आपको चाहिए कि किसी भी तरह की जो है वो नॉइस आपके रूम में ना हो तो ये एसी आपके लिए एक बहुत सही ऑप्शन है। और इस एसी पे आपको ओशियन ब्लैक केमिकल की प्रोडक्शन मिलती है, जिससे आपके एसी की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ती है। और अगर आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे पानी जो है हार्ड है या फिर आपके घर के आसपास नाली या फिर कोई रनिंग वाटर है तो आपके लिए ये एसी बहुत सही है, क्योंकि ज्यादातर दोस्तों जहां हार्ड वाटर होता है या फिर कोई रनिंग वाटर होता है तो वहां जो है एसी के कंडीशन खराब हो जाते हैं, लेकिन इस एसी पे जो है एक खास केमिकल की कोटिंग है तो इस एसी में वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बात करूं अगर मैं कौनस की तो इस एसी का यही है कि ये एसी थोड़ा प्रीमियम है, जिसकी वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा मुझे लगता है कि 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गोपैसा आपको जो है आपकी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे एक्स्ट्रा कैशबैक तो देता ही है। अब दोस्तों बात करें बेस्ट विंडो एसी 2023 की लिस्ट में हमारे पास नंबर 1 पर कौन सा एसी है, सोचो। हमारे पास नंबर 1 पर जो एसी है वो है डेकिन की तरफ से आने वाला 1.5 टन की कैपेसिटी के साथ 5 स्टार इन्वर्टर विंडो एसी। ये एसी 2022 मॉडल है, बट अगर इसकी जो आईसीआर रेटिंग है जो कि 5 स्टार की है वो दोस्तों 2024 तक वैलिड है, तो 2023 में अगर आप इसी एसी को खरीदते हो तो कोई बुराई नहीं है। इस एसी में भी दोस्तों आपको जो है 100% कॉपर कंडेंसर मिलता है और डेकिन दोस्तों जो है वो एक जाना माना ब्रांड है जो कि दुबई वगैरह में बहुत चलता है, जहाँ की जो है टेम्परेचर 53-54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वैसे दोस्तों गर्मी जो है वो इंडिया में भी कम नहीं पड़ती है, बट फिर भी अगर आप एक डेकिन ब्रांड का एसी खरीदते हैं तो आपको कभी कूलिंग को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये बात की तो गारंटी है। बात करें दोस्तों इसके प्राइस की तो क्रोमा पर इसे आप सिर्फ 41,000 रुपीज में खरीद सकते हैं, बट सेम एसी दोस्तों अगर आप चाहें तो गोपैसा पर सिर्फ 39,500 या फिर उससे कम के प्राइस में भी खरीद सकते हैं। प्रोस की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अगर आपके घर के आसपास बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है उसके बावजूद ये आपके रूम के टेम्परेचर को बहुत हद तक लो कर देगा, यानी कि ये एसी आपके रूम को बहुत जल्दी ठंडा कर देगा। 40,000 से कम के प्राइस में दोस्तों आपको डेकिन जैसा ब्रांड मिल जा रहा है। कौन सी अगर मैं बात करूं इस एसी के बारे में तो दोस्तों डिजाइन वाइज मुझे ये थोड़ा पुराना लगा। वैसे अगर ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा कौन नहीं है, क्योंकि एक एसी का मेन पर्पस होता है कूलिंग करना, तो आप इस एसी को खरीद सकते हो। लिंक दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप एक अच्छी ब्रांड का एसी लेना चाहते हो जो ज्यादा चले तो ज्यादा सोचिए मत, ये एसी आपके लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों अगर प्राइस की मैं बात करूं तो इस वीडियो में दिखाया गया सभी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो अप एंड डाउन हो सकता है, वो आप जाकर के लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोडक्ट का गोपैसा ऑफर लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा, जहां से आप इन सभी एसी को आराम से खरीद सकते हैं और कमा सकते हैं अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे एक्स्ट्रा कैशबैक। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत हद तक पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर ऑनलाइन शॉपिंग से पहले चेक कीजिए गोपैसा कैशबैक ऐप और गर्मी से बचने के लिए एक एसी अच्छा खरीद लीजिए। जब आपको गोपैसा आपकी ऑनलाइन शॉपिंग पर कैशबैक और रिवॉर्ड दे रहा है तो आप जाके क्यों नहीं खरीद रहे हैं एक एसी।